हेलो एवरीवन, राधे राधे, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत करती हूँ एमपी ब्लॉगर सुमन में। तो आज मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक न्यू ब्लॉग के साथ। तो सुबह मैं कर रही हूँ घर की क्लीनिंग, यानी कि सुबह का समय हो रहा है। रोटी सब्जी बन चुकी थी, टिफ़िन बन चुका था, उसके बाद मैं लग गई हूँ कामों में। तो फटाफट से यहाँ का क्लीनिंग कर लेती हूँ, झाड़ू लगा लेती हूँ। अंदर वाला बेडरूम है ये, पहले हम बेडरूम से स्टार्ट करेंगे, बेडरूम में झाड़ू लगा लेंगे। और मेरे पतिदेव टिफ़िन लेके जा चुके हैं, वो सप्ते में 6 दिन टिफ़िन लेके जाते हैं, यानी कि वो संडे को उनकी दोपहर बाद छुट्टी रहती है, तो संडे को हम कुछ स्पेशल बनाते हैं। तो आज शनिवार का ब्लॉग है ये, कल है संडे, तो देखते हैं कल क्या होने वाला है स्पेशल। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक और एक शेयर और एक सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो। और मैं सुबह सुबह फुल एनर्जी के साथ लग गई हूँ अपने कामों में, और अभी बज रहे होंगे 8 करीबन। और मेरे पतिदेव को मैंने टिफ़िन बना दिया था, सुबह नाश्ता बना दिया था, और नाश्ता बना के मैंने उनको भेज दिया है काम पर। और उसके बाद यहाँ का मौसम तो ऐसा हो रहा था कि पूरे दिन बारिश ही बारिश, तो कह सकते हैं इसको बारिश वाला ब्लॉग। तो चलिए फटाफट से मैं अपना सारा काम निपटा लेती हूँ, और उसके बाद मैं देखती हूँ आप लोगों के वीडियो, आप लोगों के ब्लॉग, और देखती हूँ आप लोग क्या पसंद करते हो, वो सारी चीज़ें मैं अपने वीडियो में, ब्लॉग में लाने की कोशिश करती हूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी बात शेयर करने वाली हूँ जो मेरी लाइफ से रिलेटेड है, यानी कि कुछ लोगों से मैंने रिश्ते नाते तोड़ दिए हैं, क्योंकि वो सारी बातें मैं आप लोगों को बताऊँगी वीडियो में अभी थोड़ी देर बाद। तब तक मैं फटाफट से अपने सारे काम निपटा लेती हूँ, और कुछ अपने खास अपने लाइफ का कुछ भाग आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आज मैं कुछ खुलासे करूंगी, कुछ बताऊंगी जो लोग सोचते हैं कि मैं उनके बारे में कभी कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि वो कुछ भी कर सकते हैं, तो मैं कह तो सकती हूँ ना, आप लोगों को बता तो सकती हूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों को अपनी फैमिली माना है, तो सारी चीज़ें शेयर करना आप लोगों से बनता है। तो मैं अपनी लाइफ शेयर करूँगी आप लोगों से, बस जो भी है, जिसने भी जो किया, सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मेरी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, लेकिन किससे कहूँ, क्योंकि आजकल वो ज़माना है कि कोई किसी की तकलीफ़ से दुखी नहीं होता बल्कि खुश होता है। ऐसा लगता है कि अच्छा है वो दुख रह रहा है, अच्छा है दुखी रह रहा है। तो मैं किसी के साथ कोई चीज़, कोई फीलिंग शेयर नहीं करती हूँ अपनी, बस आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के साथ शेयर करना। मेरे बहुत सारे यूट्यूब पर ऐसे फ्रेंड हैं जो मुझे दिल से चाहते हैं, दिल से मुझे प्यार करते हैं, मेरे दुखी में दुख होते हैं और मेरे सुख में सुखी होते हैं, तो उनको ये सारी बातें शेयर करना मैंने सोचा कि ज़रूर शेयर करना चाहिए ऐसे लोगों के साथ, है ना। तो चलिए, मेरा झाड़ू लग चुका था, उसके बाद मैं पोछा लगाने के लिए आ गई थी, और ये वाला पोछा मेरा फेवरेट है, मेरा फटाफट से लग के तैयार हो जाता है, ज़्यादा समय नहीं लगता। अगर आप हाथ वाले पोछे से 5 मिनट में लगाते हो तो इसको 2 मिनट में लगा के तैयार हो जाते हैं। तो आज का वीडियो मैं मॉर्निंग से लेकर नाइट तक आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, अगर अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना। बस मैं जो छोटे छोटे यूट्यूबर होते हैं वो कुछ ज़्यादा मांगते नहीं हैं, बस एक आप लोग वीडियो देख रहे हो और आपको अच्छा लग रहा है तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो फ्रेंड। तो चलिए फटाफट से मैंने पोछा लगा दिया, और उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि खाना बन गया था, नाश्ता भी हो गया था, मैंने नहा धो लिया था, और बाकी के जो सारे काम थे वो रह गए थे, क्योंकि सुबह सुबह क्या होता है कि बस टिफ़िन की मतलब भगदड़ होती है कि जल्दी से टिफ़िन बनाओ, चाय बनाओ, नाश्ता बनाओ, तो बनाने के लिए भी बहुत सारा सामान हो जाता है। देखो, सब्जी बनाओ, फिर रोटी बनाओ, फिर खाने के लिए कुछ नाश्ता, फिर चाय, और फिर उनके पास फटाफट से उनको नाश्ता परोस के दो, फिर टिफ़िन लगाओ, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा समय चाहिए होता है। तो उसके बाद सारा काम मैं निपटाने के लिए आ गई थी उनको काम पे भेजने के बाद, ये देख लीजिए। तो सबसे पहले मैं कर लेती हूँ सब्जी को छोटी वाली एक कटोरी में, और उसके बाद जितने भी सारे बर्तन होते हैं सबको मैं खाली करके धोने माँजने के लिए रख देती हूँ, और यहाँ पर अच्छे से क्लीनिंग करने के बाद फिर मैं बर्तन धोने में लग जाती हूँ, क्योंकि रात को जैसे मैं 24 घंटे में एक बार पानी की बॉटल भर के रखती हूँ, और जैसे रात अभी सुबह में भर दूँगी ना, तो दूसरे दिन सुबह में भरूँगी, जितनी भी बॉटल खाली हो जाती है ना तो सुबह में भर देती हूँ मैं एक साथ ही, बार बार भरने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो चलिए, जल्दी जल्दी मैं बर्तन भी धोने लग जाती हूँ यहाँ पर, और फिर आप लोगों को दिखाऊंगी यहाँ का मौसम कैसा हो रहा है, बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है। और मैं छत पे जैसे ही कपड़े डालने के लिए गई, इतना ज़्यादा बारिश होने लगी कि मैं कपड़े उठाते नहीं बन रहा था मुझसे, इतनी मैं सिर्फ 1 मिनट में 30 सेकेंड में ही पूरा भीग गई थी। अभी आप लोगों को दिखाऊंगी यहाँ का मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, और दिल्ली में तो अभी बारिश ही नहीं हो रही, वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। मेरे जो हैं कुछ मेरे मतलब रिश्तेदार रहते हैं मेरे खास, तो वो बता रहे थे
कि वहाँ पर बारिश नहीं पड़ रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, लेकिन यहाँ का अभी गुजरात का मौसम तो बहुत मस्त है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो चलिए जल्दी जल्दी मैं कर ले रही हूँ क्लीन, और साथ ही साथ बर्तन भी धोती हूँ ना, तो सिंक को भी मतलब साथ ही साथ में, जैसे मेरा काम ख़त्म होने वाला, अब तो मुझे कुछ काम है नहीं सिंक का अभी, जो दोपहर के अभी बर्तन धो के रख देती हूँ ना, फिर शाम तक मेरे कोई बर्तन वर्तन नहीं होते, मेरा एक खाने का बस एक थाली होती है जो मैं तुरंत धो के रख देती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ कि जैसे बर्तन धोए तो अभी के अभी मैं सिंक को भी क्लीन करके सिंक को भी क्लीन कर देती हूँ अभी लगे हाथ ही। और ये देख लीजिए नीचे, वो नीचे किचन में तो पोंछा लग ही जाता है, लेकिन जो यहाँ पे जो सामान है ना, तो सामान की वजह से रह जाता है, यहाँ पे नहीं लग पाता। तो मैं क्या करती हूँ यहाँ पे इस तरीके से सारा सामान उठाकर, जो हम पहले पोंछा लगाते थे ना हाथ से, उस कपड़े से मैं यहाँ पर लगा देती हूँ इस तरीके से, ठीक है। ये देख लीजिए, अब मैं सोच रही हूँ कि पूरे मैं यहाँ पर लगा ही देती हूँ, और उसके बाद फिर सारा काम मेरा हो चुका था, पोंछा लग चुका था पूरे में। तो फिर मैं सोच रही थी कि चलो कुछ मीठा खाते हैं, तो फिर मुझे याद आया कि मेरे पतिदेव कल ही केक लेकर आए थे। अब मैं ये बात आप लोगों को नहीं बताऊंगी केक क्यों लेकर आए थे, वो बताऊंगी मैं फिर कभी। तो चलिए अब मैं एक काम करती हूँ, केक का छोटा सा पीस ले ली, तो रात को हम लोगों ने खाया था, लेकिन अभी छोटा सा पीस लेके मुझे खाना है तो निकाल लेती हूँ। ये है चॉकलेट वाला केक, बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे, तो मेरे पतिदेव मेरे पसंद से ही ये वाला केक लेकर आए थे, तो इसका छोटा सा पीस मैं निकाल के खाने के लिए ले लेती हूँ। ये देख लीजिए, बर्थडे तो अभी किसी का था नहीं, उनका भी नहीं था, मेरा भी नहीं था, और ना ही एनिवर्सरी थी, लेकिन किसने बोला है कि बर्थडे के दिन ही केक खा सकते हैं या फिर एनिवर्सरी पर ही केक खा सकते हैं, किसी कोई भी रीज़न से हम केक खा ही सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। हमारी लाइफ में छोटी पूरी खुशियाँ होती हैं, उसके लिए भी हम केक खा सकते, कट कर सकते, ऐसी कोई बात नहीं है। तो चलिए मैंने निकाल लिया है, तो मैं फटाफट से थोड़ी देर के लिए एंजॉय कर लेती हूँ अपना केक। और अभी चल रहा है बिग बॉस, तो बिग बॉस में मुझे शिवानी कुमारी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। मैं तो ये चाहती हूँ कि शिवानी कुमारी ही जीत के आए, क्योंकि वो हमारी साइड के यूपी की है और हम हैं एमपी के। तो मेरा बहुत मन करता है कि मैं शिवानी कुमारी से मिलने के लिए जाऊँ, लेकिन हर किसी के नसीब में सब कुछ नहीं होता। देखेंगे कभी भविष्य में अगर मिलने को हुआ तो मैं उनके घर ज़रूर मिलने के लिए जाऊँगी उनसे। तो चलिए मैं अपना केक खा लेती हूँ, जिस जिसको खाना है वो भी आ जाइए, किस किस के मुँह में पानी आ रहा है बताना ज़रूर, क्योंकि मेरा तो फेवरेट है केक, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके बाद मुझे एक चीज़ याद आ गई, तो मैंने कैलेंडर में उसको मार्क कर दिया था, मैं डेली डेली मार्क करती थी, तो आज नहीं कर पाई। किस चीज़ के लिए करती थी वो अभी नहीं बताऊँगी मैं, फिर कभी आप लोगों को बताऊँगी। तो चलिए मैं क्या करती हूँ, पानी ले लेती हूँ पीने के लिए, मुझे प्यास लग रही थी बहुत। हाँ, मैं आप लोगों से क्या बात कर रही थी, मैंने ऐसे लोगों से रिश्ता नाता ख़त्म कर दिया है जो मेरे मुंह पे मेरी बड़ाई करते हैं और मेरे पीठ पीछे मेरी चुगली करते हैं, या फिर मेरे पीठ पीछे मेरी बुराई करते हैं। इनसे तो अच्छे अकेला ही रहना है, क्योंकि ऐसे लोग बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं, जो आपके मुंह पे आपकी बात करते हैं और आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं। आप मेरे ख्याल से ज़्यादा लोग ऐसे ही होते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो आपकी मतलब सच बोलते हैं, जो भी होता है अगर आपको पसंद करते हैं तो दिल से करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं तो दिल से करते हैं, अगर कुछ गलत काम करते हैं तो उन्हें समझाते हैं ये गलत काम है ये मत करो, लेकिन ऐसा हर कोई नहीं होता, कोई 100 में 1 होता है। तो चलिए आज मैं गई थी मार्केट और मेरे पतिदेव को खांसी हो गई थी 2 दिन से, मैं उनसे बोल रही थी कि सिरप ले आओ सिरप ले आओ, लेकिन वो सुन ही नहीं रहे थे, तो मैं गई थी अभी लेकर आई हूँ सिरप। छत पे डाल के आई थी, कपड़े तो सूखे नहीं, इतने फटाफट से उठा के लाई, में इतना भयंकर बारिश होने लगी है, देखो मैं पूरा भीग गई है, देखो कपड़े वपड़े सारे मेरे भीग गए, बहुत ज्यादा बारिश स्टार्ट हो गई एकदम। और फिर मैंने लाकर यहाँ पर सारे कपड़े सुखाने के लिए डाल दिए, मैं सोच रही थी कि बारिश होगी उससे पहले मैं उठा लाऊंगी, और मुझे पता ही नहीं चला इतनी भयंकर बारिश हुई एकदम, थोड़ी थोड़ी से वैसे स्टार्ट होती, लेकिन आज तो भैया एकदम। तो चलिए दिखाते हैं आप लोगों को बारिश कितनी भयंकर हो रही है, तो ये देख लीजिए बारिश इतनी भयंकर होने लगी, कपड़े तो खाने का समय ही नहीं मिला, तो सारी मैं भीग गई, जितने भी लोग सब्जी लेने के लिए गए हैं सब भीग गए, वो देखो सब कोने में बैठे हुए हैं। अब आप लोग सोच रहे हो कि वो कौन लोग हैं जिनसे मैंने रिश्ता तोड़ दिया, पता कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि काम पर मतलब गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, जैसे कि गुस्से में कुछ बोलते हैं कि मैंने तुमसे रिश्ता तोड़ दिया, मैंने तुमसे रिश्ता तोड़ दिया, जब ज़रूरत पड़ती है तो नाक रगड़ते हुए आ जाते हैं।
कि चलो मेरी मदद कर दो, मुझे मदद की ज़रूरत है, मुझे मदद। देखो अगर आप अपने अच्छे समय में ऐसा सोचते हो कि मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है, हमें हम तुम्हें लात मार के भगा देंगे, फिर तुम्हें ज़रूरत पड़ती है तो फिर क्यों आते हो नाक रगड़ते हुए, है ना। देखो जो भी कहते हो उस पर, जो भी बात करते हो उस पर टिके रहो, सीधी सी बात है। और जो भी कहना सीधे मुँह पे कहो किसी के भी, मैं तो सीधे मुँह पे कहती हूँ जो भी बात होती है। अगर मुझे किसी से कुछ रिश्ता नाता तोड़ना है तो मुँह पे तोड़ दूँगी, मुँह पे बोलती हूँ। मैंने तो मुँह पे बोला भी था कि मुझे आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना है और मेरा रिश्ता आपसे ख़त्म, क्योंकि आप मुँह पे कुछ बोलते हो पीठ पीछे कुछ बोलते हो, आप में कोई ताकत नहीं है कि जो मुँह पे बोल सको कोई भी बात, ठीक है। तो चलिए जो होगा वो अपने आप समझ ही जाएगा कि मैं किसके लिए बोल रही हूँ। तो उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में, अपना मेरे पास मेरे घर पे जो घी था वो ख़त्म हो गया था, तो हम वो फुल फैट क्रीम वाला दूध आता है, जो सुमूल वाला अमूल वाला दूध आता है कि सुमूल वाला दूध आता है गोल्ड, वो मैं लाती हूँ और उसमें से खूब अच्छी खासी मलाई निकल आती है, तो उसको मैं फ्रिज में इकट्ठा करती रहती हूँ। और जब इकट्ठा हो जाता है ना दो थोड़ा सा, तो उसको मैं इस तरीके से थोड़ा सा ब्लेंड करके उसमें से मक्खन निकल आता है और फिर उसको गर्म करके घी निकाल लेती हूँ, जो कि हमारा 7 से 8 दिन चल जाता है। फिर 7 से 8 दिन की मलाई हो जाती है ना, फिर उसको निकाल लेते हैं। हमें घर से आए मतलब मुझे गांव से आए हुए यहाँ पर 3 से 4 महीने हो चुके हैं, हमने बिल्कुल भी घी नहीं ख़रीदा है, बस इस तरीके से ही हमारा दूध में से ही घी का भी काम चल रहा है। तो आप लोग सोच लो अगर हमने 4 महीने में 2 किलो घी भी खाया होगा तो भी 1000 रुपये किलो चल रहा है, 2000 रुपये तो बची गए दूध में से, समझ लो आधा ऐसा दूध का, समझ लो आधा कितना बचत कर ली मैंने, है ना। इस तरीके से आप भी कर सकते हो। तो चलिए इसको गरम करते हैं, फिर गरम हो जाएगा फिर हम इसको छान बीन के रख देंगे। और उसके बाद मैंने बड़ाई कड़ी और कड़ी बन चुकी है हमारी पूरी, बेसन ख़त्म हो गया था तो मैंने सोचा क्या करूं। तो फिर उसके बाद हमने एक काम किया, जो दाल रखे थे यानी कि चने की दाल रखी थी उसको भिगो दी थी, बेसन थोड़ा सा ही था तो वो कड़ी तो घोर दी थी लेकिन पकौड़े बनाने के लिए बेसन ख़त्म हो गया था। तो उसके लिए फिर मैंने क्या किया कि चने की दाल को भिगो दिया था, फिर उसको हमने पीस कर पकौड़े बना दिए थे। और उसके बाद हमारी कड़ी बन चुकी है, ये देख लीजिए। कड़ी बनने के बाद हमने इसमें छौंका लगा दिया, बहुत यम्मी कड़ी लग रही थी बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि बहुत दिन के बाद बनाई थी। और दूसरी बात यहाँ पे बारिश का सीज़न चालू हो गया ना, तो इतनी ज़्यादा यम्मी लगते हैं पकौड़े वकौड़े, कोई भी चीज़ ऐसी बनाओ ना। तो और आज मैं लाई थी मक्के का आटा, तो मैं बना रही हूँ मक्के की रोटी, क्योंकि कभी कभी ऐसी कोई हेल्दी चीज़ खा लेनी चाहिए जो हमारे शरीर को फ़ायदा करती है। तो मैंने कहा मक्के में बहुत ज़्यादा प्रोटीन रहती है, बहुत ज़्यादा मतलब फ़ायदेमंद रहती है, तो मैं सिर्फ 2 या 3 रोटी बनाऊंगी छोटी छोटी, क्योंकि मुझे बनानी नहीं आती है, मैं पहली बार बना रही हूँ मक्के की रोटी इस तरीके से, बाजरे की तरह बना रही हूँ, देखती हूँ बनती है कि नहीं। इसकी जो साइड थी वो अच्छे से नहीं बन रही थी, ये देख लीजिए, आप लोगों को दिख ही रही होगी, ये देख लीजिए, मैंने बहुत अच्छे से आटा लगाया फिर भी नहीं बन रही थी, लेकिन कोई बात नहीं, इस तरीके से हम इसको चिपका देंगे पानी की सहायता से। और ये देख लीजिए फिर इसको हम पलट देंगे, हमें चारों साइड से अच्छे से पकाना पड़ेगा तो ही ये पलटी जाएगी, वरना ये टूट जाएगी। ये बाजरा से भी ज़्यादा नाजुक होती है, मुझे तो ऐसा लगता है कि इससे आसान है मुझे बाजरे की रोटी बनाना और सेकना लगता है, क्योंकि बाजरे की रोटी हमने बहुत बनाई है बहुत खाई है, इस तरीके से नहीं वो टूटती इतनी जल्दी और ना ही इतनी जल्दी वो इसके साइड में इस तरीके से फटती है। तो चलिए एक रोटी और बना लेते। उसके बाद मेरे पतिदेव आ गए थे और हमने खाना परोसने के मतलब खाना परोस लिया था, ये देख लीजिए हमारी कड़ी बन के तैयार हो चुकी थी, ये देख लीजिए। आज का हमारा ब्लॉग इतना ही है, आप लोगों को अगर अच्छा लगता है तो लाइक करना शेयर करना फैमिली दोस्तों के साथ। तो ये हमारी मक्के की रोटी है और हमने बनाया है चावल, ये देख लीजिए ये हमारे चावल है और ये हमारी मक्के की रोटी है, ये देख लीजिए लग रही है ना बढ़िया एकदम। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक लाइक ज़रूर करना।